जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरीके की रील्स वीडियो हम अपने मोबाइल से किस तरीके से बना सकते हैं और अपने उस वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो गाइस सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और दोस्तों पूरा देखना। तो गाइस चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो है गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। और दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 9.16 रेशियो दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल को कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब दोस्तों आप अपने वीडियो के पीछे जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो सिंपली दोस्तों उस बैकग्राउंड को इस तरीके से ले लेना है। यानी दोस्तों कोई भी इमेजेस भी लोगे तो चलेगा, इस तरीके से दोस्तों आपको ले लेना है। अब दोस्तों अपने इमेजेस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको थोड़ा मोड़ा बड़ा कर देना है। तो गाइस यानी कि दोस्तों जितना भी बड़ा आपका वीडियो रहेगा इस तरीके से आपको भी बड़ा कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेन एंड जूम का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों इस तरीके से जो है थोड़ा मोड़ा जूम कर लेना है, यानी दोस्तों पूरा वीडियो के बराबर कर लेना है। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जो है इस तरीके से आप करोगे तो थोड़ा बिल्कुल भी जूम नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से सेम टू सेम आपको भी कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ये जो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड दिखा रहा है इसके अंदर दोस्तों लाइटिंग लगाना है। तो लाइटिंग लगाने के लिए सिंपली दोस्तों लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन दोस्तों मीडिया में जानेंगे। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एक लाइटिंग वाला इफेक्ट ले लेता हूँ। तो दोस्तों इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर टैप करना है। देन दोस्तों इसको जो है फुल स्क्रीन कर लेना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, सिंपली दोस्तों आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। देन दोस्तों थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो है स्क्रीन जैसा दिखाई देने लगेगा। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो जाएगा, ताकि दोस्तों इसके अंदर जो भी लाइटिंग है वो दोस्तों आ रही है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, वीडियो आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, फिर से दोस्तों लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के दोस्तों यहाँ से एक इमेजेस लेना है, यानी कि दोस्तों ऐसा दिखाई दे जो कि दोस्तों बैठने वाला हो, ऐसा दोस्तों आपको एक इमेजेस ले लेना है। तो गाइस यहाँ से जो है मैं इस इमेजेस को ले लिया हूँ। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, इसको दोस्तों सबसे पहले मैं क्रॉप कर दूंगा। इस तरीके से जो है आपको भी क्रॉप कर लेना है। तो गाइस इतना जो है पार्ट को मैं क्रॉप कर लूँगा, देन दोस्तों इसको अनेबल कर दूंगा। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको बड़ा करना है, यानी कि दोस्तों थोड़ा मोड़ा आपको जूम कर लेना है, ताकि दोस्तों अच्छा हो जाए। तो गाइस इस तरीके से जो है आपको भी जूम कर लेना है। गाइस इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, इस पर दोस्तों क्लिक करना है। देन दोस्तों इसको भी जो है वीडियो के साइज़ के बराबर ला देना है। तो गाइस इसी तरीके से सेम टू सेम आपको भी कर लेना है। आपको दोस्तों जितना भी बड़ा चाहिए छोटा भी चाहिए इस तरीके से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, आपने दोस्तों जिस भी वीडियो को शूट किया है उसे दोस्तों ले लेना है। तो गाइस सिंपली मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के दोस्तों यहाँ से जो है मैं जिस भी वीडियो को शूट किया हूँ इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। तो हमारा जो वीडियो है वो दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्रॉप कर लेना है, यानी दोस्तों जो भी पार्ट आपका बेकार रहेगा, जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए होगा, इस तरीके से जो है आपको भी क्रॉप कर लेना है। तो दोस्तों मैं जो है फटाफट दोस्तों करके बता देता हूँ। तो गाइस इसी तरीके से जो है मैंने कर लिया, इसी तरीके से सेम टू सेम आपको भी कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको अनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको अनेबल कर देना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका बैकग्राउंड नहीं रहा तो ठीक है, अगर रहेगा तो दोस्तों इस तरीके से आपको कर लेना है। आप बिना बैकग्राउंड के भी इस तरीके का वीडियो बना सकते हो। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको दोस्तों मैं रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्रोमाके का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर टैप करना है। देन दोस्तों इसको जो है अनेबल कर देना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जो है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस इसी तरीके से जो है आपको भी कर लेना है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको रखना है और इस तरीके से जो है थोड़ा मोड़ा बड़ा कर लेना है। यानी दोस्तों जितना भी आप बड़ा रखना चाहते हो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, आपके दोस्तों वीडियो का जो भी पार्ट बेकार होगा इस तरीके से दोस्तों देख लेना है, और जो भी पार्ट आपका बेकार होगा इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो गाइस कट करने के लिए सिंपली आपको वीडियो पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको कैंची का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाले पार्ट को कट करना है, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, यानी दोस्तों कट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से जो है आपको भी वीडियो को कट विट कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, फिर से दोस्तों लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन दोस्तों मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने दोस्तों मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और दोस्तों एक इमेजेस को ले लेता हूँ जो कि दोस्तों शिवलिंग का है। अगर आप गूगल पर डालोगे शिवलिंग PNG इमेज तो दोस्तों बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको भी ले लेना है। अब दोस्तों इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है, ताकि दोस्तों ऐसा दिखाई दे कि ये जो है ज़मीन पर है। तो गाइस इसी तरीके से सेम टू सेम आपको भी रख लेना है। स्टेप में करना क्या,
है इसके दोस्तों अगल बगल में घास लगाना है। तो गाइस घास लगाने के लिए सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, देन दोस्तों मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के दोस्तों यहाँ से एक और पिक्चर्स को ले लेता हूँ जो कि दोस्तों मैंने डाउनलोड किया, इसी तरीके से जो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के दोस्तों थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाने के दोस्तों क्रोमा के का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने में दोस्तों इसको अनेबल कर देना है। तो गाइस यहाँ से जो है इसको अनेबल कर दिया। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जो 50 दिख रहा है इसको दोस्तों एकदम जीरो कर देना है और इसको भी दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ला देना है। और अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको हरा कलर दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर टैप करना है, देन दोस्तों इसको जो है वाइट कर देना है, यानी दोस्तों जितना भी वाइट था वो दोस्तों इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके सेम टू सेम आपको भी कर लेना है। अब दोस्तों इसको जो है इस तरीके से थोड़ा मोड़ा बड़ा करना है, देन दोस्तों यहाँ पर आपको लाकर लगा देना है। अब देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है दोस्तों कितना अच्छा दिखने लगा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मोड़ा चलाकर दिखा देता हूँ, बट दोस्तों इसके अंदर जो है एक म्यूजिक ऐड करना है। तो दोस्तों सिंपली लेयर पे क्लिक करो या फिर दोस्तों मीडिया में से ऑडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने में दोस्तों सॉन्ग में जाना है, सॉन्ग में जाने में दोस्तों आपका जो भी म्यूजिक होगा इस तरीके से ले लेना है। बट दोस्तों मेरे पास कोई भी म्यूजिक नहीं है, तो गाइस सिंपली मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, देन दोस्तों मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने में दोस्तों एक कोई भी वीडियो में का म्यूजिक ले लेता हूँ। तो गाइस इस तरीके से जो है मैं ले लिया। तो गाइस थोड़ा मोड़ा केवल मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा, पूरा नहीं चला सकता, नहीं तो दोस्तों कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं वीडियो को थोड़ा मोड़ा चालू करके दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है दोस्तों पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और दोस्तों देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसी तरीके से जो है आपको भी एडिट कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, सिंपली दोस्तों यहां पर आपको टैप करना है, देन दोस्तों यहां पर 720 लेके वीडियो को सेव कर देना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का सेम टू सेम रील्स वीडियो हम अपने मोबाइल से किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।